बिशप जी की गवाही है, क्रिसमस दिन वाले बिशप जी बोल रहे थे कि आपको जो कुछ चाहिए आप अभी मांगे। इन्होंने उस दिन पवित्र आत्मा के मांगा और प्रभु जी ने इन्हें उस दिन पवित्र आत्मा का वरदान उढ़ेल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह जी पास्टर जी को, जय मसीह जी संगत को। मैंने उस दिन पिता जी बोले कहने भी आज जो भी मंगूंगे वही मिलूंगा। मैं क्या मैंने पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर दया करे, मेरे पर आ जावे दया करे पिता जी। मैं पवित्र आत्मा चाहिए और मैंने कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद आपका। फिर एक मेरी गवाही हो रहा, मेरे बहुत सिर बिच दर्द हो गई सी, बहुत ज्यादा। तीन दिन में पई रही, दो डॉक्टर बदले, नहीं राम आया। फिर मैं उत्थे चर्च च फोन किया, घरे पिंड वाली चर्च च घर वाली च, तो उतों फिर मैं प्रार्थना कराई। फिर हूँ मैं बिल्कुल ठीक है, स्मैक का तेल लाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बड़ी गवाही के लिए। क्रिसमस की प्रार्थना वाले दिन मैं कह रहा था कि आप जो भी चाहे मांगे प्रभु से, और इन्होंने पवित्र आत्मा मांगा, इन्होंने पवित्र आत्मा मांगा, इन्होंने पवित्र आत्मा मांगा और पवित्र आत्मा को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते से बड़ी गवाही के लिए इनके एक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनके परिवार पर शराब था। कैसे थोड़ा बताना। मेरे ना सोरे हुनी जी नौ भरा सीगे। इंदे सोरे नौ भरा समझदे रहे हो आप? नौ भरा सीगे इंदे सोरे नौ भरा सीगे। एक बहन सी उनां दी। हां एक बहन थी उनकी। हां ते नौ दे नौ ही ना पागल होके मुक्के। सुन रहे हैं? मेरी सास भी, मैं सास नहीं मेरी भुआ सास भी पागल होके मुक्की है। यानी कि नौ दे नौ उपरा पागल होके बेचारे मर गए। और जो उनादी मेरा जेठ सी एक, वो भी एकदम ही भी पागल होके वो मुके। कोई 10 साल रहंदा सी, कोई 5 साल रहंदा सी पागल। और जेड़े इना दे पति दे भरा सीगे, जेड़े इना दा जेठ सीगा, वो भी अगे जाके पागल होके मुके। हुण जी मेरे घर वाला हो गया सीगा, फिर ओयो शराब जेड़ा सीगा इंदे घर वाले पे आ गया, इनके पति पे आ गया था। फिर मैं जी इत्थे आई चर्च दे विच, मैनू किसी ने दस्या। फिर मैं चर्च च आई, फिर मैं प्रार्थना कराई। मेरे नाल भी आया दो तीन वारी, फिर बाद विच दी नहीं आया। मेरी हुण ठीक है बिल्कुल। प्रभु यीशु मसीह दा धन्नवाद करदी आ, मेरा पूरे घर बस गया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह दे नाम से, धन्यवाद। देखिए जन के जो इन्हां दे इनके पति हैं, उनके पिता चाचे ताए जो थे नौ नौपरा। हां जी हां जी, नौपरा और एक बहन। हां जी पागल होके मुक गए। हां जी पागल होके, हां जी पागल होके मर गए बेचारे। क्या था ये, क्यों था ऐसा? शराब के कारण, शराब था। वो शराब टूट नहीं रहा था, वो आगे के आगे बढ़ रहा था, आगे के आगे बढ़ रहा था। फिर उनके जन के जो बेटे थे, जन के इनके जो पति हैं और इनके पति के जो भाई थे, वहां भी वो शराब आ गया। फिर इनके पति पे वो शराब आ गया और वो मतलब ऐसी हरकतें करने लग गया पागलों जैसे। फिर ये चमत्कार सच में आए, किसी ने बताया नहीं भी आप चमत्कार सच में जाओ। फिर हम लोगों ने इन्हें बताया कि परमेश्वर मसीह शराबों को तोड़ते हैं और परमेश्वर मसीह ने उस शराब को तोड़ दिया। मैं इनके घर पर भी गया हूं, प्रार्थना करके आया हूं, परमेश्वर मसीह ने उन शराबों को तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, अद्भुत 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 अद्भुत। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए। और इनकी बेटी कहती है कि मैं तो इनको बुलाती नहीं है कि आप तो दूसरे धर्म वाले हो गए।
मर गई कहती, मेरे पापा भी मर गया, मेरी मम्मी भी मर गई कहती, मेरे लिए नहीं जींदे गए कहती। हुण आंदी आपदे पापे नूं तां बुला लैंदी आ, मैनूं नहीं बुलांदी, आके चली जांदी आ। देखिए क्रिसमस वाले दिन मैंने बताया था कि परमेश्वर मसीह का नाम में सामर्थ्य है, लेकिन परमेश्वर मसीह के नाम में लोग वैर करते हैं। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस परिवार को बचाया, छुड़ाया और अब इन्हें पवित्र आत्मा से भरा। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं।